वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 14, क्लास 9th की है। इसके अंदर हम तीनों सब्जेक्ट्स के देखेंगे, पहले मैथ्स, फिर साइंस और फिर हिंदी। और ये जो वर्कशीट है वो 5th ऑफ अगस्त की है। मैथ के अंदर आइए चलते हैं, देख लेते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हम लास्ट वर्कशीट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ। आज की जो वर्कशीट का जो आइडेंटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, यहाँ पे फोकस करने वाली बात है। यहाँ पे एक्स मतलब पहला टर्म जो होगा वो सेम होगा और जो दूसरा टर्म होगा ए और बी वो डिफरेंट हो सकता है। ध्यान रखेंगे ये प्लस में दे रखी है आइडेंटिटी, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी या एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, तो वो कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। पहले मैं इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो एग्जाम्पल्स खुद करके देखें तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आपको चेक करने के लिए किसी कहीं पर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि क्या आपने ठीक करा है या नहीं करा। इसलिए मैं ये एग्जाम्पल्स टच नहीं कर रहा। आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद हम देखेंगे साइंस की वर्कशीट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाई बाय 107। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों दोनों नंबर क्लोजेस्ट टू 100 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 और इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 7, ताकि इन दोनों के अंदर एक कॉमन नंबर आ जाए 100। तो वो हो गया हमारा एक्स, और यहाँ पे भी हम एक्स लिख देते हैं, 3 हो गया ए और 7 हो गया बी। तो ये मैंने साइड में लिख दिया है अपने हेल्प के लिए। यहाँ मैंने आइडेंटिटी लिख दी है और यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यूज पुट कर दी। एक्स की जगह पे 100 पुट कर दिया, ए और बी की जगह पे 3 और 7 पुट कर दिया। यहाँ मैं 100 लिखना भूल गया था, तो इसको घबराए नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 है। सो +3 × 7, सो 3 + 7 हो गया आपका 10, 10 × 100 आपका 1000, और 100 का स्क्वायर हो गया 100 100 मतलब 10,000। तो यहाँ पे 21 आया, ऐड करेंगे तो 11,021 आपका आंसर। बी पार्ट नेगेटिव नंबर्स के लिए है, मतलब आपका यहाँ पर 95 और 96 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 5 और 100 - 4। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 90 + 5 और 90 + 6 भी लिख सकता था, लिख सकते थे, बट उसमें कैलकुलेशन देखो 90 का स्क्वायर करना हमें फिर दोबारा पड़ता, तो उसके चक्कर में हमने क्या सोचा इसको 100 के क्लोजेस्ट जाए, ज्यादा से ज्यादा जीरोस के साथ जाते हैं। इन सब का ऑब्जेक्टिव, इन सब क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव है हमारी कैलकुलेशन आसान करना। 100 का स्क्वायर यहाँ पे 10,000, या -5 आया, यहाँ देखिए हमने पहले लिख लिया इसको ए बी और एक्स को, ए हो गया -5 -4, ये हो गया -9 × 100 -900, और यह है -5 × -4 +20। हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 9120। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका रिवर्स है, x + 4 x + 10 आपको पहले से ही एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं कहूंगा दे रखा है। यहाँ पे x जो है वो x है, ऐसे लिखें जरूर, ये आपको हेल्प करेगा। x जो है वो x है, b a जो है वो 4 है और b जो है वो 10 है। तो मैंने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी में इसको पुट करा, 4 + 10 14x हो गया, 4 × 10 40 हो गया। तो ये आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सेम यहाँ पे 3x + 4 3x - 5, तो यहाँ पे 3x की जगह y आए z आए, तो आप इस तरीके से जरूर लिखें x के क्या है 3x, a क्या है 4, b क्या है -5। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, यहाँ पे 3x² हो गया 9x² -1 × 3x -20, मल्टीप्लाई कर देंगे 9x² -3x -20। ये हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। आप इनकी मदद से आप बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे थे उनको जरूर सॉल्व करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। आइए चलते हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 14 की तरफ। साइंस के अंदर क्लास 9th की जो वर्कशीट है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर अगेन दो बच्चे बात कर रहे हैं आपस में कि वी नो दैट एवरी मैटर लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एवरी एलिमेंट हैज अ नेम यूनिक सिंबल। तो वो यहाँ पर नेम और यूनिक सिंबल्स की बात कर रहे हैं कि हर एक चीज का एक नाम होता है, जैसे आपका भी एक नाम है, उसी तरीके से हर एक एलिमेंट का, हर एक
एटम का एक नाम है और इसका एक सिंबल भी है, बट हाउ देयर नेम एंड सिंबल आर डिसाइडेड, तो उनका नाम जो है वो डिसाइड करा कैसे जाता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आंसर दिया है, इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेसेस, तो पहले आपको जान के हैरानी होगी, पहले जो है नाम जहाँ पे वो एलिमेंट पाया जाता था उसके नाम से उसको नाम दिया जाता था, जैसे कॉपर जो ड्राइव हुआ है वो सिप्रस से डिराइव हुआ, सिप्रस एक जगह का नाम है, एंड कुछ का उसका कलर से होता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का जो उसके कलर से निकला है, उसका कलर येल्लो होता है, तो उसकी वजह से उसका नाम हमें गोल्ड रखा, गोल्डन येल्लो इस तरीके से। बट आजकल नाउडेज एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो जब भी अब कोई नया एलिमेंट फाउंड होता है उसका नाम ये डिसाइड करते हैं, और बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड करते हैं कि नाम क्या होगा ताकि पुराने वाले से कंफ्यूजन ना हो। और भी तरीके होते हैं जो ग्रीक और लैटिन जर्मन, यहाँ से भी उनके सिंबल्स लिए जाते हैं, कुछ इंग्लिश से लिए जाते हैं, कुछ उनकी नेटिव लैंग्वेज से, लैटिन जर्मन ग्रीक जहाँ से वो ओरिजिन हुए हैं। आइए चलते हैं इसके बारे में और क्या लिखा है वो देख लेते हैं। सम एटम्स एंड द सिंबल्स, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन विद द सेम सिंबल एंड द नेम ऑफ इट्स एलिमेंट, तो उसका जो सिंबल होता है वो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, तो ये इसके सिंबल्स हो गए। कुछ आपको दिखाई देंगे कि फर्स्ट लेटर से ही निकाले हैं, वेरस कुछ एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम का K, ये इसका लैटिन वर्ड जो है वहां से निकाला गया है। इसके अंदर पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है सिंबल में और दूसरा लेटर जो होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, और कंपाउंड भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम Na हो गया, क्लोराइड Cl हो गया, तो ये दो एलिमेंट उसके सिंबल में ही, इसके केमिकल फॉर्मूला में ही पता चल जाते हैं कि इसमें कौन कौन से दो एलिमेंट यूज करे गए हैं। यहाँ पर एक आपको पजल दे रखा है, पजल ग्रिड दे रखा है, जिसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है ये सारे के सारे नाम, सोडियम हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कर रखा है कलर कोडिंग के साथ, आप देख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर डायगोनली देखेंगे, रिवर्स में ए हाइड्रोजन, ये हो गया आपका नीचे ये सिल्वर, ये आपका हो गया जिंक। इसी के साथ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट द फुल फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ IUPAC, तो ये भी ऊपर दे रखा है बहुत ही क्लियरली। IUPAC की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसका जो फंक्शन है इट अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट सिंबल एंड यूनिट, सो ये इसका बेसिक फंक्शन है। तो आज की साइंस की वर्कशीट में इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट हिंदी की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट है कार्यपत्रक 14, वर्कशीट 14। ये वर्कशीट आपकी पिछली वर्कशीट 11 जो है उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो वर्कशीट 11 में हमने जाना था वाक के बारे में, तो वाक जो है वो चार पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली में एक गाए जाने वाली रचना होती है। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललदद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो 14वीं सदी की ये कवियत्री थी ललदद्यत, ये उनकी काव्य शैली है। तो यहाँ पर कवियत्री द्वारा रचित आपको दो और पद दिए गए हैं और इन्हीं को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आइए यहाँ पर पहला पद जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो चार ही पंक्तियों में कवियत्री ललदद्यत ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है, उन्होंने इन पंक्तियों में पश्चाताप करते हुए कहा है कि जब उन्होंने संसार में जन्म लिया था
तो परमात्मा ने उन्हें बहुत ही सीधे रास्ते से इस धरती पर भेजा था, वो बहुत ही सीधे रास्ते सीधी राह से आई थी। परंतु जब अब जब परमात्मा से उनसे मिलने की बारी आई है, जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ी हैं और वो परमात्मा से मिलने जाने वाली हैं, मतलब कि उनका देहांत होने वाला है, तब उन्होंने रियलाइज किया कि वो आई तो सीधे रास्ते थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो गलत रास्ते पर बिताई है। तो तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब तक कि उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तब तक कि बहुत ही देर हो चुकी थी। तो उन्होंने गलती क्या की थी, तो उनकी गलती यह रह गई कि भक्ति रूप सीढ़ी को ना चढ़कर उन्होंने कुंडली योग को अपनाकर परमात्मा और अपने बीच पुल बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने परमात्मा तक पहुंचने का एक बहुत ही सरल रास्ता है, वो है भक्ति का रास्ता, उन्होंने वो अपनाने की जगह उन्होंने योग साधना का रास्ता अपनाया, जिसमें उन्होंने यह कोशिश की कि वो अपनी कुंडलिनी को जागृत कर पाए। तो योग साधना को फॉलो करके, योग साधना को अपना कर वो अपने आप को नियंत्रण में रख पाए, और उसके जरिए उन्होंने ईश्वर से मिलने की कोशिश की। परंतु जिंदगी भर वो इस प्रयास को करती रही, लेकिन फिर भी वह लगातार असफल होती रही। अब साथ ही उनकी आयु भी बढ़ती गई, तो अंत में जब उनकी जीवन की संध्या अर्थात उनकी मृत्यु अब जब नजदीक है, तब उन्हें यह रियलाइज हुआ, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी गलत रास्ते में कुंडलिनी योग में ही उन्होंने लगा दी, और जब फाइनली उन्हें भक्ति रूप रास्ता जो अपनाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं अपनाया। तो पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे, तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगी और उन्हें क्या देंगी। तो अब उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है कि जब वो ये जिंदगी अब उनकी खत्म हो जाएगी, और जब पार लगने के लिए भगवान उनसे पूछेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, तो वो उन्हें क्या देंगी। क्योंकि जब उन्होंने अपनी जेब टटोली, मतलब जब उन्होंने अपना मन टटोला, जब उन्होंने अपनी जिंदगी की तरफ मुड़कर देखा, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास एक भी कौड़ी नहीं है, मतलब कि उनके पास कोई पुण्य कर्म ही नहीं है, कोई उनके पास अच्छी वो चीज ही नहीं है जिसे वो ईश्वर को दे सकें कि हाँ मैंने ये अपने जीवन में ये किया है। तो इसलिए वो उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है कि वो अब ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगी और उन्हें क्या देंगी, क्योंकि उन्होंने तो पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी, मतलब पूरी जिंदगी ही उन्होंने योग साधना में अपनी कुंडलिनी को नियंत्रण करने में बिता दी और भक्ति का रास्ता नहीं अपनाया, और उन्होंने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। तो अब जिंदगी की इस पड़ाव पर उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, अब इनके दूसरे पद जो दिया हुआ है आपको वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा पद है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो ये बहुत ही आसान सा पद उन्होंने लिखा है यहाँ पर। तो इन चार पंक्तियों में कवयित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, शिव जो है वो, ईश्वर जो है वो कण कण में, थल थल में मौजूद है, और वो सबके ही दिल के अंदर मौजूद है। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति से हिंदू या मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, बल्कि हर किसी के अंदर ईश्वर मौजूद है, तो आप क्या भेदभाव करें उसमें। तो अगर आप ज्ञानी हैं, अगर कोई सच्चा ज्ञानी है, तो उसे अपने अंदर झांक कर अपने को पहचानना चाहिए, क्योंकि यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। अब इन दोनों पद पर बेस्ड आपको चार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ हम आपको इसके सैंपल आंसर्स भी दे देंगे। आप इन सैंपल आंसर्स को पढ़िए और फिर कोशिश कीजिए अपने उत्तर खुद लिखने की, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, कवयित्री ने अपना जीवन कैसे बिताया, उन्हें किस बात का पछतावा है। तो जैसे कि हमने आपको अभी समझाया था पहले पद में, तो कवयित्री ललदद्यद अपनी निराशा को व्यक्त करती हैं और अपना पछतावे को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि उन्होंने भक्ति का मार्ग चुनने की बजाय हठयोग जैसे कठिन मार्ग को चुना, इसी बात का उन्हें पछतावा है।
वह निरंतर प्रयास करती रही, लेकिन अपने इस प्रयास में वह लगातार असफल होती रही और उनका पूरा जीवन यूं ही बीत गया। उन्होंने अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिस पर गर्व कर सके। अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। तो जब वह परलोक पहुंचेंगी तो वो परमात्मा को क्या मुंह दिखाएंगी, इसी बात का उन्हें पछतावा है। अब प्रश्न दो है, आपको कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी, उन्हें लिखिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो अगेन ये पर्सनल ओपिनियन वाला क्वेश्चन है, इन सभी पंक्तियों में से आपको कौन सी पंक्तियां अच्छी लगी आपको वो लिखना है और उनका अर्थ आपको लिखना है। हमें जो पंक्ति अच्छी लगी वो थी, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो उसका भाव हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई अपनी कोई पंक्ति अगर पसंद आई हो तो यहाँ पर इजीली उसका अर्थ भी लिखा हुआ है, तो आप उसे अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न तीन पर, कवियत्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इन पंक्तियों में कवियत्री ने बताया है कि परमात्मा कण कण में मौजूद है, वह सबके दिल के अंदर मौजूद है, इसीलिए ही हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न चार है आपका, कवियत्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। तो कवियत्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का रास्ता बहुत ही आसान है। वो कहती हैं कि अगर कोई ज्ञानी है तो उसे अपने अंदर झांक कर अपने को पहचानना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो। आप अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए हमसे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाइए ताकि हम कोई भी अगर वर्कशीट अपलोड करते हैं तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।